बोल भी नहीं पा रही थी, मौका भी नहीं लग पा रहा था, तो वो आज अभी मारे अभी नहीं है। लता जटीना तेरी बनी पई है, वेखता सही तू जट्टा गल करके। देखो मैं यही तो बोल रही हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ। वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। तो ये मुझे प्रपोज कर रहे थे। अभी धोखा देवेगा केड़ा मुंह ते लिखिया सी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू क्यूटी वारिया। गाइस मैं फिर से आ गई श्रेया के साथ एक वीडियो लेकर के। इन्होंने मेरे ऊपर वीडियो करी थी हेम के साथ मिलके। जिन्होंने वीडियो नहीं देखे हेम यादव चैनल पे, वीडियो देखो जाके फिर समझ में आएगा। तो इसलिए मैंने श्रेया को बुला लिया और समझा दिया क्या करना है। तो इनकी हेल्प लिए मैंने कहा चलो आज हेम को मजे चखाते हैं। तो मैं हेम को कॉल करके बुला लेती हूँ पहले, ठीक है? कहाँ पे हो हेम? यार मैं, तुमने बोला था कुछ लाना है मेरे को। अच्छा तो मतलब तुम बाहर हो, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, ठीक है चलो, मैं लास्ट में ही हूँ कॉटेज के पास। ओके ओके ओके, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ इधर सुनो, मेरे को जैसे वापस जाना पड़ेगा, मैं डायरेक्ट सीधे चला हूँ, उसके बाद बाद में चलना साथ में। देखते हैं, चलो पहले तुम आ तो जाओ। ठीक है ठीक है, ओके बाय। चलो वो अभी ना बाहर है तो उन्हें कम से कम 5-10 मिनट लगेंगे अभी आने में, अंदर घूमते घामते आते हैं ना इसलिए, ठीक है ना? तो मैं जा रही हूँ, वो आएंगे तो फिर ठीक है। तो गाइस चैंपेलिंग स्टार्ट हो चुकी है और मेरे मेलबर्न पे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, और आप भी पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो इजीली पार्टिसिपेट कर सकते हो। UEFA लीन ग्रुप में 167 रुपीस आप भी लगा सकते हो, ताकि आपको हर बार पैसे लगाने पे मिलेंगे प्रोमोशनल टिकट। तो गाइस सुपर प्राइज रहना चाहते हो तो जल्दी से जाके पार्टिसिपेट करो। और गाइस यहाँ पे आपको मिलेगा iPhone 14 Pro Max, सैमसंग गैलेक्सी वॉच प्रो और साथ में एयरपोर्ट एप्पल के, और भी बहुत कुछ मिलेगा। और आप जितना यहाँ पे पैसा लगाओगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे जीतने के। तो गाइस दिए गए कमेंट के लिंक को रजिस्टर करें और मेरा प्रोमो कोड यूज करिए। गाइस आपको मेरे प्रोमो कोड से मिलेगा फर्स्ट डिपॉजिट वेलकम बोनस। तो जाइए जाके खेलिए, गुड लक। इधर मार रहे थे। ओए हाय हेम, कैसे हो? कैसे हो? ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। क्यों कर रही हो, क्या हो गया? ओके ओके, अच्छा बैठी आ रही होगी बस अभी। अभी हाँ, लेकिन बोल तो ये रही थी उधर, मैं कॉटेज के पास, मैं उसी का वेट कर रही थी अभी। ओके, आप बैठ हाँ, रहे हो? वो भी आ रही हैं। ओके, बैठो। मैं बैठा हूँ। और बताइए कैसे हो? मैं ठीक हूँ। वहाँ क्यों बैठे, इधर बैठो ना। वो कहाँ गई है? वो बस अभी आ रही है, वो ना वॉशरूम गई है। अच्छा ओके, तो पास क्यों आ रहे हो? अरे वो बस वो, अच्छा उस दिन तुम कह रहे थे ना कि मैं तुम्हें क्यूट लग रही हूँ, तुम्हें मैं अच्छी लग रही हूँ, वो तुम वीडियो कर रहे थे। नहीं फिर भी कुछ दिखाई होगा, कुछ लगा ही होगा आपको, तभी आपने मुझे बोला है ना। नहीं नहीं, क्यूट तो हर कोई लड़कियां होती है ना तो क्यूट आपसे बोल दिया, तो आप क्यूट थे तो बोल दिया, यानी कि इसका मतलब क्या है? फिर भी आप क्या बोलना क्या चाह रही हो तुम यार? देखो मुझे भी आप ना अच्छे लगे, आप हैंडसम हो, आप अच्छे हो, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है। तुम चिपक रही हो, मारिया देखेगी ना तो वो गुस्सा करेगी। अरे वो अभी है थोड़ी, वो ना अभी वॉशरूम गई है, अभी आएगी। क्यों आ रही हो तुम? अरे दूर बैठोगी ना, वो देखेगी यार, दिक्कत हो जाएगी यार। तो क्या हो गया, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना, देख भी लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? ऐसा मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, जैसे लड़ाई हो जाएगी ना। अरे उसमें लड़ाई वाली क्या बात हो गई? अरे तुम जैसे पास बैठोगे, जब वो तुमने देखा वो वीडियो वगैरह मैंने किया। अच्छा। उसमें जब देखा तुमने कितना, चलो वो तो एक वीडियो के लिए था, एक था वो एक जो भी था, पर वो रियल में आपकी गर्लफ्रेंड थोड़ी ना। क्या कर रहे हो आजकल वैसे? मैं बस स्टडीज चल रही है मेरी, बढ़िया है करो। अब ब्लैक में तो अच्छे लगते ही हो, लेकिन व्हाइट में आप और अच्छे लग रहे हो आज। ये मैं मारे ही लेके आई। ओके नहीं, सूट कर रहा है आप पे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। क्या हो गया? क्या हो रही हूँ समझ नहीं रहे हो आप, क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? आप यहाँ बैठ जाओ ना, नीचे बैठ जाओ ना,
अब यहाँ बैठ जाओ ना आराम से, आप आराम से बैठ जाइए ना। बैठा हूँ, देखो ऐसा है ना कि मैं देखो वो माता अच्छा। है ना, ठीक है ना, तो यार मुझे नहीं अच्छा लगता जैसे कि लड़ाई वगैरह हो जाए, जैसे कि मैं नहीं चाहता जैसे बस लड़ू, काम वगैरह में दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होगी, मैं वो गर्लफ्रेंड थोड़ी ना आपकी। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है, तो कितनी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग तो होती है, दोस्त तो है, तो अगर दोस्त है तो दोस्त की कोई गर्लफ्रेंड नहीं हो सकती क्या? क्या लेकिन ये जो उसको समझाओ ना, तो उसमें उसको समझाने वाली क्या बात हो गई? क्या कर रही हो तुम? अच्छी लग रही है आपकी पैंट। ओ पैंट अच्छी लग रही है। हाँ। फटी हुई है ये तो फैशन है। हाँ, मंगल मार्केट से। कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, वो अच्छी लग रही है। अच्छी लग रही, नहीं, वैसे अच्छा। है। ओके। वो ना मैं बहुत टाइम से ना आपको ना कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। क्यों पकड़ रही हो? तो ऐसे कैसे मैं बोलूं? कैसे बोलूं? मैं आपसे ना बहुत टाइम से ना बोलने की कोशिश कर रही थी, तो बोल भी नहीं पा रही थी, मौका भी नहीं लग पा रहा था, तो आज अभी मारे अभी नहीं है। लता जटीना तेरी बनी पई है, देखता सही तू जट्टा गल करके। बोलना क्या चाह रही हो? कि मैं आपको पसंद करती हूँ। ओह पसंद करती हो? हाँ? यार मारिया पता बवाल कर देगी, सच बता। क्यों बवाल करेगी, वो आपके अच्छी दोस्त है, आप लोग काम करते हैं, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग गर्लफ्रेंड तो मैं भी बनूंगी कि हाँ कोई फ्रेंड है साथ में काम करती है, तो वो काम ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं है। ऐसे नहीं है कि वीडियो वगैरह ऐसे नहीं है कि जैसे हम अपनी फैमिली वगैरह से भी बात करा देते हैं, उसकी अच्छी दोस्त है, ऐसी बात नहीं है। तो वही तो मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि वो आपकी दोस्त है। ओके। हाँ। तो तुम इतने पास क्यों बैठ रही हो? तो मैं पहले आपको कन्फेस करूंगी ना, आप कन्विंस हो गए तभी तो बात आगे करी होगी ना। बात आगे बढ़ेगी नहीं। तो मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्यों नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल फुल स्टॉप होता है ना, वो अच्छा। स्टॉप लगा हुआ है। हाँ। क्यों क्यों क्या दिक्कत है? मैं आपको अच्छी नहीं लगती है। आप वही तो मैं बोल रही हूँ, आप आराम से यहाँ बैठो, गिर जाएंगे आप। हाँ अब गिर जाएंगे, अब दूर ही बैठना है, ठीक है ना? अच्छा दूर, मैं नजदीक आने की कोशिश कर रही हूँ, आप बोल रहे हो दूर बैठना है। अभी नजदीक आ रहे हो तो, लेकिन यहाँ पूरी नजदीकियाँ हो जाएंगी, समझ रहे हो ना? तो आपकी वहाँ तो नजदीकियाँ है ही नहीं ना। वहाँ तो नजदीकियाँ नहीं, लेकिन पूरी हो जाएंगी, समझ रहे हो? यानी कि बवाल हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। अरे कुछ बवाल नहीं होगा, आप तो कन्विंस हो जाओ, उसको भी मैं कर लूंगी, वो भी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। कन्विंस कैसे, समझ में नहीं है। देखो मैं यही तो बोल रही हूँ कि मैं आपको पसंद करती हूँ। देखो ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना? अरे क्यों नहीं हो सकता, क्या दिक्कत है, कोई कमी है मेरे में, क्या क्या दिक्कत है? तुम अच्छे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्यों नहीं हो सकता? अरे नहीं हो सकता, तो फिर भी बताओ तो क्यों नहीं हो सकता? अरे सुनो तो, अब जा कर रहे हो, बैठो तो सही। कैसी क्या बातें कर रहे हो, अभी आने ही वाली है आप हमारे, आप बैठो तो। अच्छा बैठो तो सही, आप बताओ तो क्या प्रॉब्लम है मुझ में? क्या प्रॉब्लम यार, कुछ नहीं है यार, नहीं हो सकता ना। क्यों नहीं हो सकता, जब वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो आपकी सिर्फ फ्रेंड है, तो दिक्कत ही क्या है? तो आपकी, आप भी तो एक इंडिविजुअल पर्सन हो, आपकी भी तो हो सकती है ना गर्लफ्रेंड? अरे यार हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। समझने की कोशिश करो थोड़ा, मैंने बहुत हिम्मत करके बहुत बहुत मुश्किल से ये चांस मिला है मुझे भी। यार हद हो रही है यार, ये कौन सी बात है? अरे हद वाली क्या बात हो गई, आपकी तो बियर्ड से बहुत अच्छी है। क्या कर रही हो? मुझे भी अच्छी है। मुझे भी अच्छी है। हाँ ये कट भी अच्छा लग रहा है, सारे लोग तारीफ करते हैं। ओके तो मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ, मैं भी तो तारीफ ही कर रही हूँ आपकी। अरे आपका ये कट भी बहुत अच्छा लग रहा है। यार क्या कर रही हो यार? मैं वही तो बोलने की कोशिश कर रही हूँ आपको। हाथ में हाथ? अरे नहीं यार, देखो ये तुम ये हरकत क्या, नहीं यार, यार ये हरकतें कर रही है मेरे साथ। वो हरकत कर रही है, तुम हरकत कर रहे हो, तुम्हारा इसे समझाओ यार। एक मिनट, बकवास नहीं, ठीक है ना? बकवास तुम कर रहे हो क्या? मैंने देखा वो बिल्कुल सही है, हाथ में हाथ डाला हुआ, और तुम कह रहे हो गलत है। पागल हो यार, इसीलिए तो मैं। श्रेया क्या चल रही सब? तो ये मुझे प्रपोज कर रहे थे। अबे धोखा देवेगा केड़ा मुंह ते लिखिया सी। यार मैं कैसे प्रपोज, कैसी बातें कर रही हो तुम यार? हिम क्या चल रहा है ये सब? ऐसा कुछ नहीं है, देखो मूड मत खराब करो मेरा, ठीक है? नहीं जब मैं यहाँ नहीं थी तो तुम चले जाते, यहाँ क्यों बैठे हुए थे तुम? इससे मिलने का मिलना था तुम्हें, बात करनी थी, कर लो। यार तुम्हारे यहाँ वेट करने आया की
वेट कर रहे थे। ओ वाओ झूठ, कितनी जल्दी पलट गए। नया ड्रामा चल रहा है तुम्हारा फिर से यार। वो क्या बताएगी श्रेया, क्या चल रहा है? बताया तो मैंने क्या चल रहा था। क्या बताओ, मुझे प्रपोज कर रहे थे लोग। अब सुन लो, ऐसे फालतू की बकवास मत किया। क्या हुआ? अरे वो बिल्कुल नहीं मालूम, बहुत है ये, जाके पकड़ो। हेम रुको, सुनो, चलो इधर एक मिनट। क्या है यार, यहाँ पर बकचोदी कर रहे हो तुम लोग। तुमने उसको प्रपोज किया या उसने तुम्हें किया है? यहाँ कुछ नहीं चल रहा था सच में, वो बोल रही थी जैसे कि तुम्हें मैं पसंद करती हूँ ऐसा कुछ। यार है श्रेया, ऐसा था बिल्कुल। हाँ क्या? हाँ क्यों रही है? प्रैंक कर रही है? नहीं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो जानती भी नहीं हूँ। अच्छा जब सच्चाई सामने आ गई तो प्रैंक का नाम लगा दिया तुमने। देखो मारे, देखो तुम गलत नहीं हो, भाग क्यों रहे हो? बात को क्यों नहीं मान रहे हो तुम? यार हद हो रही है। अच्छा ठीक है, मैंने मान लिया तुम गलत नहीं हो, तो फिर भाग जाओगे? इधर आओ, आजा बंदा भाई। बिल्कुल ठीक है, तो आप पास हो गए हो, इनसे बोल रही हूँ। अच्छा ये चलो बता देते हैं। तो हम दोनों ने मिलकर आपके ऊपर प्रैंक किया, जो कि ये था फ्रेंड लॉयल्टी टेस्ट कह लो इसे। तो वो लगा रखा कैमरा, देखो। तो गाइस बताना कैसा लगा आपको प्रैंक। मैंने पहली बार, तुम बस इंतजार करो मैं क्या करता हूँ। पहली बार मैंने फर्स्ट टाइम लॉयल्टी टेस्ट कराया, जो कि हम पास हो चुके हैं। इसमें क्या लॉयल्टी होगी टेस्ट? हाँ हो गई ऑब्वियसली। मैं तो तुमसे भी मना कर देता हूँ गर्लफ्रेंड के लिए। वो तुम्हारे लिए नहीं होगा ना, बट मेरे लिए तो था लॉयल्टी टेस्ट। तो गाइस बताना वीडियो कैसी लगी, कॉमेंट करना और इसमें मुक्का भी मारूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इधर आओ, राम राम जी।